उनको जो है फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, देख सकते हैं भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। गलत बात है, जबरन हम लोग को पकड़ के ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। सरकार से लेना देना हमें तो उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दें कैडी से कैडी, जो किसी के मजहब पे कोई उंगली ना उठाए। या 6 बरस का होती है, उसे क्या बता। तो इसे सबको बात को रखते हुए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम भी यहाँ के नागरिक हैं, कोई हम अभी मुसलमान नहीं है। दादा हमारे मुसलमान, उनसे परदादा हमारे मुसलमान आ रही थे ना, कोई ये थोड़ी है कि मतलब अभी के ये 25 करोड़ मुसलमान सारा परेशान हो रहा है और 10 दिन से बराबर कह रहा है, और सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहा है कि जी मतलब इतने दिन के नहीं बर्खास्त कर दिए बीजेपी से मतलब थोड़ी है, सरकार से मतलब है। असल तो हमें सरकार से मतलब है, बीजेपी से क्या लेना देना। इस बात से सरकार से लेना देना हमें तो उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दें कैडी से कैडी, जो किसी के मजहब पे कोई उंगली ना उठाए। हाँ लेते हैं तो किसी तरह आतंकवादी किसका होता है, हिंदू का है मुसलमान का है, वो किसी का नहीं है। वो तो आतंकवादी है, उसके तो खिलाफ हम भी हैं, लेकिन इंसानियत के जो भी इंसानियत को रौंदेगा उसके सबके खिलाफ है हम। लेकिन सर बीजेपी का ये कहना है कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करते हैं, उसको लेकर के आपके मन में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करें तो इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं है, आ रही से ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये कहते हैं करते नहीं, अगर करते हैं तो इन्हें बंद करके दिखाएं। पार्टी से जो निकाला उसको लेकर क्या मन में? नहीं नहीं पार्टी से निकालना मतलब नहीं है, मतलब ये है उन्हें गिरफ्तार करें, मतलब ये है। पार्टी से निकलना मकसद नहीं है हमारा, हमारा मकसद है कि उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें कैडी से कैडी सजा दें, जो किसी के धर्म पे उंगली ना उठाई जाए। लोग जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए थे उनको जो है फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, देख सकते हैं भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। और ये संसद मार्ग की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बसों में जो है डिटेन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना करो, कलेबो लफे संघर्ष करो। हाँ कुछ कहना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट करे और ना सख्त मजम्मत करते हैं। एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस कर रही है इसके हम सख्त विरोध करते हैं, और हमारा प्रदर्शन रुकेगा नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे और इनकी गिरफ्तारी के नहीं होने तक हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। बहुत ना वो सब कुछ नहीं है, गिरफ्तारी से कम पे कोई बात नहीं है, गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांग बीजेपी से नहीं थी, हमारी मांग बीजेपी से नहीं थी, बिल्कुल यूएपीए लगना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है आपने, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की है, जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा हम लोगों को। हुजूर के नाम की गुस्सा की बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, ये गलत बात है। हुजूर के नाम की गुस्सा की बंद करो। हम यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, हुजूर के नाम पे गुस्ताखी की जा रही है, हमेशा हुजूर के नाम पे गुस्ताखी की जा रही है, ये गलत बात है। जबरन हम लोग को पकड़ के ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे जो है संसद मार्ग की तस्वीरें, जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नुपुर शर्मा के द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया था, जो उपयोग किया गया, तो उसको लेकर के जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको पार्टी से जो है निलंबित तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुस्लिम समुदाय के अंदर रोष दिखता हुआ मिल रहा है। हालांकि भी बताया जा रहा है कि काफ़ी जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है, और आज दिल्ली के जो है संसद मार्ग पर देख सकते हैं भारी संख्या में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनको दिल्ली पुलिस को द्वारा डिटेन कर लिया जाता है।